हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको देखिए माइक्रम का बहुत ही सुंदर सा पॉकेट फ़ोन होल्डर बनाना बताऊंगी। तो चलिए देखिए इसे बनाने के लिए किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने टू कलर्स के यहाँ पे माइक्रम के कॉर्ड लिए हैं, ब्लू और येल्लो लिया है, लाइटर सीजर हमेशा की तरह, और 3.5 इंच की वन पीस रिंग चाहिए। और टू कलर्स के मैंने यहाँ पे बेल्स लिए हैं, वन कलर के यहाँ पे बिट्स लिए मैंने। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें रिंग लेनी है, 3.5 इंच की रिंग लेनी है, और इसमें हम कॉर्ड अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कॉर्ड कट किए हैं सारे कॉर्ड 2.5 मीटर के हैं, 2.5 मीटर के सारे कॉर्ड है। और 2.5 मीटर के कॉर्ड को देखिए इस तरह से डबल करके और रिंग पे अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से, मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियोस में मैं ऑल वीडियोस में जो भी मैं इस तरह का माइक्रम का बनाती हूँ, तो मैं सारे वीडियो में आपको स्टार्टिंग का इस तरह से कॉर्ड को किस तरह से फंसाना है रिंग में, मैं ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ही डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सारे कॉर्ड्स को यहाँ पे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वन साइड मैंने येलो 4 कलर अटैच कर लिया, और दूसरी तरफ भी हमें 4 कॉर्ड अटैच करना है येलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 4 कॉर्ड यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है, बीच में 2 ब्लू है। और अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 4 कॉर्ड लेना है, और पूरा इस तरह से हमें सिंपल नॉट लगाना है, यानी 4 4 कॉर्ड लेके पूरे राउंड में सिंपल नॉट यहाँ पे लगा देंगे। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह से 5 नॉट्स लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी सेंटर का जो ये ब्लू कॉर्ड है, अब यहाँ पे हमें कॉर्ड को रैप करना है। तो इस तरह से कॉर्ड को साइड कर लेंगे, और ब्लू कॉर्ड यहाँ पे 4 है, तो देखिए बीच के 2 कॉर्ड्स ले लेंगे, यानी 2 कॉर्ड्स यहाँ पे है, तो 1 1 कॉर्ड दोनों तरफ के लिए रैप करना है। तो देखिए ब्लू कॉर्ड लेके और ब्लू कॉर्ड इस पर रैप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी इस कॉर्ड पे भी रैप कर लेना है। एक एक कॉर्ड यहाँ पे ब्लू रैप कर लिया। उसके बाद अब इसके ऊपर हमें देखिए यहाँ पे येलो 2 कॉर्ड लेके रैप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 कॉर्ड आ गए हैं, और इधर भी 4 5 और ये 6 कॉर्ड, यानी 6 कॉर्ड दोनों तरफ हमें साइड कर लेना है, और येलो में से हमें 2 कॉर्ड्स ब्लू पे रैप कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ 2 2 येलो कॉर्ड रैप कर लेना है ब्लू पे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट हुआ। अभी सेंटर के 2 कॉर्ड्स लेने हैं, और इसमें हम पिंक कलर का एक बिट्स अटैच कर देंगे। ये देखिए एक बिट्स यहाँ पे अटैच करने के बाद, अब साइड से एक एक येलो कॉर्ड लेके यहाँ पे सिंपल सा एक नॉट लगा देना है। सो देखिए सिंपल नॉट लगा दिया एक। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को हाफ कर लेना है, और यहाँ पे ब्लू कॉर्ड पे 2 येलो कॉर्ड्स को रैप करना है। दोनों साइड से हमें 2 2 येलो कॉर्ड जो यहाँ पे है इसे रैप कर लेना है। उसके बाद अभी देखिए सेंटर के जो 2 कॉर्ड्स हैं, फिर से सेम ऊपर जैसे मैंने बीट्स डाला है, सेम नीचे उसी कॉर्ड में हमें फिर से एक बीट्स यहाँ पर फंसा लेना है, और उसके बाद ब्लू कॉर्ड पर इसे भी रैप कर देंगे। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे पहले देखिए येलो कॉर्ड को रैप कर लिया। सो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ब्लू कॉर्ड को रैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए यहाँ पे 2 कॉर्ड्स बच गए हैं दोनों साइड से, तो एक दूसरे के साथ इसे भी यहाँ पे रैप कर देना है।
सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी ये लो टू कॉर्ड्स ले लिया है, जो यहाँ पे रैप किया है मैंने कॉर्ड उसे ही लेना है और इस साइड के सारे कॉर्ड को इस तरह से रैप कर लेना है। सो देखिए इस तरह से सारे कॉर्ड को यहाँ पे रैप कर लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अब सेकेंड वाले कॉर्ड को लेना है और इस पे भी सारे येलो कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रैप कर दिया। अब इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए टू कॉर्ड्स है, तो इन इस कॉर्ड पे हमें इस तरफ के सारे येलो कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। फिर से सेकेंड कॉर्ड लेना है और इस पे भी सारे येलो कॉर्ड्स को रैप कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से कॉर्ड को रैप कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का एक येलो कॉर्ड लेना है और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे टू ब्लू कॉर्ड है, तो उसे रैप कर देंगे येलो कॉर्ड पे। दोनों कॉर्ड को येलो कॉर्ड पे रैप कर देना है। अब इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ से फिर से एक येलो कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर ब्लू कॉर्ड को रैप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो येलो कॉर्ड आ गया है, तो इन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह से रैप कर देना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का जो ये डिज़ाइन यहाँ पे जो रैप किया था मैंने कॉर्ड को, तो यहाँ से मैं दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन जो आगे कंटिन्यू करना है उसमें ये एक एक कॉर्ड हमें इस तरह से चाहिए, तो निकाल दिया है मैंने साइड से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से टू टू कॉर्ड्स लेके और सिंपल नॉट ले यहाँ पे लगा देना है। अब इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे भी एक सिंपल नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से जो कॉर्ड रैप किया है उसमें से एक कॉर्ड ले लिया है और इस तरफ के थ्री कॉर्ड यानी थ्री येलो कॉर्ड को इसके ऊपर रैप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे थ्री येलो कॉर्ड रैप कर लिया। उसके बाद देखिए सेकंड कॉर्ड लेना है और इसके ऊपर भी फिर से थ्री कॉर्ड रैप कर लेंगे येलो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रैप करने के बाद ऊपर का जो कॉर्ड हमने खोल दिया था, अब उससे लेना है और इसके ऊपर फिर से हमें तीनों कॉर्ड को रैप कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना कॉर्ड रैप करने के बाद अब यहाँ से हमें येलो कॉर्ड ले लेना है और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को टू टू टाइम रैप कर देंगे इस तरफ के। ये देखिए सारे कॉर्ड को रैप करना है यहाँ पे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे कॉर्ड को रैप कर लिया। अब फिर से यहाँ पे देखिए,
येलो कॉर्ड 3 रैप करना है, तो एक कॉर्ड को यहाँ पे ले लेंगे और इसके ऊपर 3 कॉर्ड्स को रैप कर लेंगे। अब फिर से सेकंड कॉर्ड लेना है और इसके ऊपर भी 3 कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। अब इस वाले कॉर्ड को ले लिया है, अब इसके ऊपर भी 3 कॉर्ड रैप कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले येलो कॉर्ड को ले लेना है और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को रैप कर देंगे 2-2 टाइम। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ कॉर्ड रैप करने के बाद अब बीच का कॉर्ड ले लेंगे, ब्लू कॉर्ड ले लिया है 4 और सिंपल नॉट लगाएंगे। 4-4 कॉर्ड लेके अभी सिंपल नॉट कंटिन्यू करना है। अब देखिए साइड से 4 कॉर्ड ले लिया, यहाँ पे भी सिंपल नॉट लगाना है। फिर से दूसरी तरफ आ जाएंगे, यहाँ से भी 4 कॉर्ड लेना है और सिंपल नॉट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ब्लू ले लेंगे और 2 येलो, उसके बाद फिर सिंपल नॉट, फिर से इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे भी 4 कॉर्ड लेके फिर से यहाँ पे भी नॉट लगा लेंगे। अभी देखिए अभी इस नॉट को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में एक नॉट आ गया, तो यहाँ पे इतना नॉट लगा के पूरा कर दिया। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से इस वाले येलो कॉर्ड को ले लेंगे जो ऊपर से रैप करते हुए नीचे की तरफ आए हैं, और यहाँ पे हाफ कॉर्ड को हाफ करके और उसके बाद सारे कॉर्ड को इसके येलो कॉर्ड पे रैप कर देंगे। अभी देखिए इतना पूरा करने के बाद अब दूसरी तरफ का येलो कॉर्ड ले लेना है और इसके ऊपर फिर से सारे कॉर्ड को रैप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों येलो कॉर्ड को एक दूसरे के साथ रैप कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आ जाएंगे और 4 कॉर्ड लेके सेंटर में पहले एक सिंपल नॉट लगा देना है। उसके बाद इस तरफ फिर से देखिए 4 कॉर्ड ले लेना है और सिंपल नॉट लगाना है। अब नीचे की तरफ आ गए हैं, तो अब यहाँ पे हमें देखिए शीट तैयार करनी है। अभी पॉकेट के लिए शीट तैयार करेंगे, तो इस तरह से 4-4 कॉर्ड लेके पहले सिंपल नॉट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब अंदर की तरफ से हमें नॉट लगाना है, तो इस तरह से फोर फोर कॉर्ड लेके और अंदर अंदर की तरफ से नॉट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सेकंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर से थर्ड लाइन में फिर से यहाँ से फोर कॉर्ड ले लेना है और इसी तरह से ऊपर की तरह जैसे सिंपल नॉट लगाया है ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर लेना है हमें। तो इसी तरह से बनाते हुए आपका जो फ़ोन है उसके हिसाब से हमें ये शीट तैयार कर लेना है, यानी फ़ोन के साइज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से हमें ये शीट तैयार कर लेनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे इसी नॉट को कंटिन्यू कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इतना शीट मैंने बना के कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने टोटल 8 नॉट लगा के और एक शीट तैयार की है। ये मैंने मोबाइल के साइज़ के हिसाब से किया है, अगर आपका मोबाइल छोटा या बड़ा हो आप उस हिसाब से ये शीट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर का कॉर्ड लिया है और ये कॉर्ड 1 मीटर का है। और ये देखिए जो स्टार्टिंग का ये जो लूप बना है साइड साइड से नॉट का, इसमें से कॉर्ड फंसा के निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कॉर्ड को फंसा लेना है। अब दूसरी तरफ भी लूप में कॉर्ड फंसा लेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉकेट के लिए मैं कॉर्ड इस्तेमाल करूँगी सारे 1 मीटर के रहेंगे। ये देखिए अभी इन यहाँ पे 4 कॉर्ड आ गया, तो इसे लेके सबसे पहले हमें एक सिंपल नॉट लगा लेना है क्योंकि हमें इसी कॉर्ड में येलो कॉर्ड अटैच करना है पॉकेट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, येलो कॉर्ड लिया है और 1 कॉर्ड 1 मीटर का है और इसे डबल करना है और इस तरह से फंसा लेंगे ब्लू कॉर्ड पे। तो इस तरह मैं टोटल 4 कॉर्ड अटैच करूँगी। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल 4 कॉर्ड अटैच कर लिया 1 1 मीटर के और दूसरी तरफ भी 1 मीटर के 4 कॉर्ड अटैच कर लिया है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉर्ड को लेके और साइड से जो लूप बना है नॉट का उसमें फंसाते हुए नॉट लगाना है, तो जो साइड का हिस्सा है वो भी पैक होते जाएगा पॉकेट के लिए। उसके बाद इसी तरह से 4 4 कॉर्ड लेके और सिंपल नॉट लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से एक कॉर्ड ले लिया है और साइड के लूप्स में फंसाते हुए फिर से सिंपल नॉट लगा देना है। अब देखिए इस तरह से नॉट लगाने के बाद अब यहाँ पे फिर से हमें सिंपल नॉट लगाना है। तो अभी जैसे कि बाहर की तरफ से नॉट लगाया, अब उसके बाद अंदर अंदर के कॉर्ड को लेते हुए नॉट कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग का थर्ड लाइन में स्टार्टिंग का फिर से एक कॉर्ड ले लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से फंसा लिया लूप में।
और फिर नॉट कंटिन्यू करेंगे। यानी देखिए, पहले फर्स्ट वाले में लूप में फंसाते हुए नॉट लगाएंगे, फिर सेकंड वाले में छोड़ देंगे, फिर से थर्ड वाले में फिर से लूप में फंसाएंगे, फोर्थ वाला छोड़ देंगे, फिर फिफ्थ वाले में फिर से लूप में फंसाते हुए, इसी तरह से मतलब एक एक बार छोड़ना है और एक एक बार लूप में से फंसाते हुए ये नॉट लगाना है, जिससे कि पूरा यहाँ पे शीट जो बनाई है इसके साथ कवर होते जाएगा, तो पॉकेट बन के अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें नॉट लगाते हुए और इसे शीट के बराबर में तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये शीट के बराबर मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा के और ये पॉकेट तैयार कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ से आ जाएंगे और जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है इन्हें ये देखिए थोड़ा थोड़ा लेके और इस तरह से यहाँ पे रैप करते हुए बांध लेंगे अच्छी तरह से। और एक्स्ट्रा कॉर्ड को कट कर लेना है और यहाँ पे देखिए लाइटर से इसे चिपका देंगे। अब ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े कॉर्ड्स को लेके और यहाँ पे बांध लेंगे और बांध के कॉर्ड को कट करके और लाइटर से चिपका देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी सारे कॉर्ड को यहाँ पे रैप करने के बाद नीचे के एक्स्ट्रा जो कॉर्ड हैं इन्हें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे 2 इंच पे कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इसमें फंसा देना है एक एक बेल्स। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बेल्स को कॉर्ड में किस तरह से फंसाना है ये मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है। तो देखिए, एक कॉर्ड में बेल्स फंसा देंगे और दूसरा कॉर्ड लेके इस तरह से दोनों को पिघलाते हुए चिपका देंगे लाइटर से। ऐसे ही कॉर्ड में 2-2 कॉर्ड्स लेते हुए और एक एक बेल्स डाल के चिपका लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की तरफ सारे बेल्स लगा दिए। उसके बाद ये रिंग जो खाली है इसे कवर करना है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का कॉर्ड लिया है और पीछे की तरफ से चिपका लिया है। तो 1 मीटर का कॉर्ड लिया है, तो एक बार ऊपर की तरफ से और एक बार नीचे की तरफ से कॉर्ड को रैप करेंगे तो ये रिंग पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ये देखिए, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, फिर से एक बार ऊपर की तरफ से और एक बार नीचे की तरफ से, इसी तरह से रिंग को कवर करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्ड को पीछे की तरफ लाइटर से चिपका लेना है। सो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये माइक्रम का फ़ोन होल्डर, पॉकेट फ़ोन होल्डर बनके कंप्लीट हो गया। यदि फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।